हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़, एस के ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो? और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल भले चंगे होंगे और खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। और मैं तो परमपिता परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को एक अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, लक्ष्मी माता आप सबके घर में खूब बरकत दे। और अभी ये दोपहर का टाइम है, काम तो मेरा लगभग सब ख़त्म हो गया है। एक बार तो सोचा था कि चलो अपनी नीटिंग की वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि बहुत सारे कपड़े मैले हो गए हैं और आज तो धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है, तो क्यों ना कपड़े धोकर सुखा देती हूँ। और ऊनी स्वेटर हैं, उनको भी धोना है। स्वेटर वगैरह मैं हाथ से ही धोती हूँ। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं जो लगातार आते रहते हैं कि आप एक ऐसी वीडियो बनाइए कि जैसे हमारे ऊनी स्वेटर होते हैं, इनको कैसे धोएं, कैसे सुखाएं ताकि हमारे स्वेटर ख़राब ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, चाहे हाथ के बुने हुए स्वेटर्स हों या फिर हमने मार्केट से ख़रीदे हों, आजकल तो हर चीज़ काफ़ी महंगी पड़ती है और हाथ से बुनते हैं तो मेहनत भी हद से ज़्यादा लगती है। तो अगर धोने की कमी में एक ही सर्दी में हमारी स्वेटर ख़राब हो जाए तो बहुत दुख लगता है। बस थोड़ा सा धोने का तरीका होता है, सुखाने का तरीका होता है, फिर सालों साल तक हमारे स्वेटर ख़राब नहीं होते हैं। तो अभी मुझे हाथ से अपने स्वेटर वगैरह धोने हैं, तो सोचा आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ, आप सबकी फरमाइश को पूरा कर देती हूँ। अभी मैंने मशीन लगाई हुई है तो वाइट वाले कपड़े तो धुल चुके हैं, अभी उनको निकालूंगी। और कलर वाले जो कपड़े हैं जिनमें से कलर नहीं निकलता है, पहले उनको धोऊंगी। कुछ एक आध कपड़ा होता है जिनमें से कलर निकलता है, या तो मैं उनको हाथ से धो लेती हूँ या बिल्कुल ही लास्ट में उनको धो देती हूँ। और अभी जो ऊनी स्वेटर वगैरह हैं उनको इजी में भिगोना है, तो 10-15 मिनट के लिए भिगो कर रखती हूँ। तो चलिए, जो हमारे स्वेटर हैं पहले उनको इजी में भिगो देती हूँ, वाइट वाले जो कपड़े धुल गए हैं उनको मशीन से निकाल देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस टब में मैं अपने सारे ऊनी कपड़े एक साथ इजी में भिगो देती हूँ। तो यहाँ पर जितने हमारे कपड़े हैं, जिस हिसाब से मैले हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, उसी हिसाब से हम इसमें इजी डाल लेंगे। तो ये वाला जो ढक्कन है ये मैं भर के डालूँगी, ये देख लीजिए इस तरह से। एक ढक्कन तो मैंने ये बिल्कुल भर के डाल दिया है क्योंकि कपड़े ज़्यादा हैं, तो एक मैं इसमें आधा ढक्कन और डाल दूँगी ताकि सारे कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाएँ। तो ये मैंने लगभग डेढ़ ढक्कन इसमें इजी डाल दी है। और इसके लिए मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी से जो हमारे ऊनी कपड़े हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए पानी ऐसा लेना है जैसे कि जो हैडपम्प होता है उससे निकालते हैं, ताज़ा सा पानी होता है, बिल्कुल ठंडा ना लगे, क्योंकि ज़्यादा ठंडे पानी से भी कपड़े अच्छे से साफ नहीं हो पाते हैं। तो हमें हल्का सा गुनगुना पानी लेना है और इजी को उसमें घोल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इजी को मैंने बिल्कुल अच्छे से पानी में घोल लिया है और बिल्कुल ताज़े पानी जैसा है ये, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना है। और अब इसमें हम अपने जो ऊनी कपड़े हैं एक एक करके इसमें डुबो देंगे, बिल्कुल अच्छे से इनको डुबो देना है पानी कपड़ों के ऊपर से रहे। और इनको भिगो के कम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो ज़्यादा मैले स्वेटर्स थे उनको इसमें अच्छे से भिगो दिया है और इसको अब मैं 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। दो स्वेटर थे जो कि कम मैले हैं ये वाले, तो इनको मैंने बाहर रख लिया है क्योंकि जब ये वाले कपड़े हम इसमें से वॉश करके बाहर निकालेंगे तो इसमें इजी वाला जो पानी बचेगा, इनको तब तक पानी में से निकालेंगे, तब तक दूसरे वाले भिगो देंगे तो उनका भी मैल साफ़ हो जाएगा। और अभी हम इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो इनका भी मैल अच्छे से ही निकल पाएगा। तो मैंने अपने जो ज़्यादा मैले वाले स्वेटर हैं वो सारे भिगो दिए हैं। तो 15 मिनट देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गई हैं इनको इजी में भिगोए हुए
और इनका जो मैल है वो बिल्कुल अच्छी तरह से कट गया है। बस इब इनको हल्के हाथ से रगड़ना है, ना तो उन्हीं कपड़ों पर ब्रश मारनी चाहिए। और जैसे इनकी बाजू वगैरह होती हैं, इन पर थोड़ा सा मैल ज़्यादा हो जाता है क्योंकि फुल बाजू होती हैं, काम करना होता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत लग जाता है। तो इनको इस तरह से बार बार इजी में ऐसे करते हुए हल्के हल्के हाथों से अगर हम इनको रगड़ देते हैं तो जल्दी से इनका मैल कट जाता है। और बाकी तो इनको इसी तरीके से अगर हम इजी में ऐसे करते रहें तो ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा रगड़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ऊनी कपड़ों पर। तो अब इनको ऐसे हल्के हाथों से रगड़ते हुए मैं इनको साफ़ कर देती हूँ और इनको फिर पानी में से निकालूँगी। तब तक जो बाकी की दो स्वेटर बची हुई हैं, जो ये पानी है उन्नी कपड़े मैंने पानी में से निकाल लिए हैं। और उन्नी कपड़ों को कभी भी हाथ से मतलब निचोड़ना नहीं चाहिए, बस पानी में से निकाल के और ऐसे ही किसी टब या बाल्टी के ऊपर रख देना चाहिए। और अब मैं इनको मशीन में ड्राई करूँगी ताकि ये जल्दी से सूख जाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उन्नी कपड़े ड्राई करने के लिए मैंने एक चुन्नी ले ली है और इसको ड्रायर में ऐसे बिछा लिया है ताकि जो हमारे उन्नी कपड़े हैं उनका जो रोआँ है वो इसका जो घर्षण होता है उससे टूटे ना और स्वेटर हमारे ख़राब ना हो। तो इस तरह से मैंने इसको रख लिया है और सारे स्वेटर जो हैं एक एक करके अब इसमें डाल तो फ्रेंड्स कपड़े बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो चलिए अब मशीन को खोल लेते हैं। तो ये देखिए सारे कपड़े बिल्कुल अच्छे से सूख गए हैं। ऐसे में ना तो हमारी जो स्वेटर होती हैं इनका रुआ ख़राब होता है और हमारे जो स्वेटर हैं वो बिल्कुल ऐसे कैसे रहते हैं, एकदम नए। इनका जो रुआ होता है वो बिल्कुल ऐसा कैसा रहता है। अगर हम ऐसे डायरेक्ट इनको ड्राई करते हैं तो इसमें जब राउंड में ये कपड़े घूमते हैं तो ये ऐसे टूट जाते हैं और कपड़ों में गर्माहट बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो सारे कपड़े अब हमारे सूख के तैयार हो गए हैं। तो ऊनी जो हमारे स्वेटर होते हैं, चाहे हाथ के बुने हुए हों चाहे हमने मार्केट से ख़रीदे हों, इनको इसी तरह से हाथ से धो के और फिर इस तरह से मशीन में सुखा लेना चाहिए तो इनकी गर्माहट बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती है, सालों साल तक हमारे ऊनी कपड़े चलते हैं। तो अभी ऊनी कपड़े सूख गए हैं, वाइट वाले पहले धो दिए थे वो भी सूख गए हैं, अभी थोड़े से कलर वाले बचे हुए हैं इनको भी सुखा देती हूँ और काम से फ्री होने के बाद फिर आप सबके साथ बैठ कर थोड़ी सी देर बात करूँगी। तो फ्रेंड्स अब शाम 5 बजे का टाइम है और आज तो कपड़े धोते धोते बिल्कुल शाम हो गई। कपड़े धो के और नहा के आई तो 4:30 बज गए थे। फिर चाय भी बना के पीनी थी तो चाय बनने के लिए रखी और साथ के साथ अपने बालों में कंघी करके आई, तब तक चाय बन गई। और आज तो चाय भी अकेले ही बैठकर पीनी पड़ी क्योंकि ये तो चले गए थे दूध लेने के लिए। फिर चाय पीने के बाद अब अपना बुनाई का काम करने के लिए बैठ गई हूँ। अब शाम के 7:30 बजे तक अपना बुनाई का काम करूंगी, एक वीडियो तैयार करनी है तो एक वीडियो बनाऊंगी और फिर रात के खाने का टाइम हो जाएगा तो किचन में जाने के बाद तो फिर से वही 2-2.5 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। तो सोचा कि बुनाई करते करते आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ, इस ब्लॉग वीडियो का एंड कर लेती हूँ। और काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि ऊनी कपड़े आप हाथ से कैसे धोती हो, कैसे सुखाती हो, प्रॉपर वीडियो शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स आप सबकी रिक्वेस्ट पर आज मैंने ये वीडियो बनाई है
और मैं तो हमेशा से ही इसी तरीके से अपने ऊनी कपड़े धोती हूँ, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और ये वाला स्वेटर भी मेरा 3 साल पुराना है। हालांकि ये है कि इसको मैं बाहर अंदर आने जाने में ही पहनती हूँ, घर में ज़्यादा नहीं घसीटती हूँ। जब सारे धुल जाते हैं, गीले होते हैं, तभी मैं इसको पहनती हूँ घर में, तो नहीं तो कहीं बाहर जाना होता तभी पहनती हूँ। और बाकी की जो 2 स्वेटर और हैं मेरी हाथ की बनी हुई, इसके पापा जी की हैं, जो कई साल पुरानी हैं और ये डेली पहनते हैं, तो इनका रुआ अब तक भी ख़राब नहीं हुआ है। इनमें ऐसी की ऐसी गर्माहट बनी हुई है, क्योंकि जब हमें कपड़े या तो मशीन में डाल देते हैं धुलने के लिए, तो इनके ऊपर जो हल्का हल्का सा रोआ होता है वो ख़राब हो जाता है। इसी के कारण स्वेटर में गर्माहट होती है। और या फिर हम हाथ से धो लेते हैं, सुखाते टाइम गलती कर देते हैं, डायरेक्ट उसको उसके अंदर डाल के और उसको सुखा देते हैं, तो इसके अंदर जो चक्कर लगता है, इतना ज़बरदस्त घर्षण होता है, जिसकी वजह से इसके जो रोए होते हैं उनमें छोटे छोटे से मनमने से बन जाते हैं, या फिर वो झड़ जाते हैं, जिससे स्वेटर में गर्माहट बिल्कुल भी नहीं बचती है। तो आप इस तरीके से अपने स्वेटर धो के और सुखा के देखिए, सालों साल तक आपके स्वेटर बिल्कुल नए जैसे रहेंगे। क्योंकि मैंने काफ़ी लेडीजों से सुना है कि मैं तो धोती भी इजी में हूँ, हाथ से धोती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों स्वेटर पे जो है ऐसे रुआ सा आता है और ऊपर से गोल गोल मनिया से बन जाते हैं, या फिर उस पे रुआ ही नहीं बचता है, बिल्कुल स्वेटर 2 साल में ही ख़राब हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से धोइए, सुखाइए, देखिए, फिर आपके स्वेटर बिल्कुल नए जैसे रहेंगे। मेरे तो कई साल तक पुराने जो स्वेटर हैं आज तक बिल्कुल नए हैं, ख़राब नहीं होते हैं। बस थोड़ी सी ट्रिक चेंज करनी पड़ती है, बाकी सब धोते तो ऐसे ही हैं, सुखाते भी ऐसे ही हैं। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे धो के और सुखा के देखिए, फिर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और ये देखिए, कैप तो मेरी सूख भी गई है, ये वाली ऊन के स्वेटर कैप वगैरह जल्दी सूख जाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है इनको सूखने में। बस धो के, ड्राई करके और सुखा दो, 15-20 मिनट बाहर की हवा एक बार लग जाए, धूप लग जाए, तो स्वेटर वगैरह सब सूख के तैयार हो जाते हैं। तो कैप मेरी सूख गई थी, क्योंकि मेरी जो एक कैप और है वो काफ़ी पुरानी हो गई है, और वो तो इतनी लूज है, क्योंकि उसको तो मैंने 6-7 साल पहना हुआ है। रेडीमेड मैंने ली थी, वो दुकान पर बैठती थी तब, तो वो तो एकदम से उसका रुआ वगैरह सब खराब हो गया है, बहुत पुरानी हो गई है, तो इस वजह से उसमें गर्माहट कम होती है। फिर मैंने अपनी यही वाली पहन ली है कि धुल गई है, सूख गई है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।